मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नैनो मंत्रिमंडल का शपथ समारोह हुआ। नैनो मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही राजभवन के ऑडिटोरियम में रहने का मौका मिला। पूर्व मुख्यमंत्री, संगठन के दो पदाधिकारी, 3 विधायक सहित कुछ अधिकारी मौजूद रहे। शपथ लेने वाले विधायकों, पूर्व विधायकों को भी स्टेज के पीछे ही बैठाया गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। कम लोगों को राजभवन के ऑडिटोरियम में आने की इजाज़त दी गई और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखकर लोगों को ऑडिटोरियम में बैठाया गया और विधायकों को शपथ दिलवाई गई। शिवराज खेमे में मंगलवार दोपहर 12 बजे 5 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के 29 दिनों बाद सीएम शिवराज ने अपनी कैबिनेट का गठन किया, जिसमें 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। राज्यपाल लालजी टंडन की अगुवाई में शिवराज के इन 5 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री को भी जगह दी गई है। इसके अलावा राजभवन में कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंत्री समेत कई नेता मास्क पहने नजर आए। शिवराज कैबिनेट के लिए इन मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों को राज्यपाल लालजी टंडन ने गोपनीयता की शपथ दिलवाई। दूसरे नंबर पर सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले तुलसी सिलावट ने दूसरे मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद कमल पटेल और फिर दोबारा सिंधिया समर्थक में से गोविंद सिंह राजपूत ने शपथ ली। आखिर में एसटी वर्ग से मीना सिंह ने शपथ ली। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.